स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक 3.3 एंड इट इज़ अबाउट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? ठीक है, फ्रिक्शन एक वो फोर्स है जो हमारी मोशन को अपोज कर रही होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अपोजिंग फोर्स क्या होती है कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो हमें मूव करने से रोक रही है। ठीक है, वो अपोज कर रही है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव ना कर सके। तो अपोजिंग फोर्स जो लग रही होती है ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो साथ ही हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इट इज़ सिमिलर टू द एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमिना, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, जैसे ही एक्शन में क्या हुआ कि आपने कोई भी फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कि आप अपने जो है काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। रिएक्शन में क्या होगा, साथ ही हमारे पास जैसे ही बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे आ गई रिएक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो कि आपकी इस मोशन को जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से स्टार्ट होने लगी थी उसको अपोज करेगी कि बॉडी आगे मूव ना कर सके। तो ये थी हमारी फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन होती क्या है, वो अपोजिंग फोर्स जो बॉडीज को या ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं करने देती, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ये भी सिमिलर टू एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमिना है, जैसे ही हम कोई फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं उसी तरह ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंडेंस इसकी किस पे है, डिपेंडेंस है इसकी फर्स्टली है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्ट जो जिस पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गई है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, मटेरियल उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। एंड द नंबर टू इज प्रेसिंग फोर्स, प्रेसिंग फोर्स। अब जो मटेरियल भी सिंपली अगर हम एक वुड की बनी हुई देखें चीज़ें, हमने दो बॉक्सेस लिए, ठीक है, दोनों वुड के बने हुए थे, एक ही मटेरियल से बने थे, तो जो है उनमें किस तरह की नेचर होगी, अब वो किस तरह से फ्रिक्शन को अपने ऊपर अप्लाई होने देंगे, उनके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी। सो ये सारी चीज़ें कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी कम होगी बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करेंगे तो तब जितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट इज़ गोइंग टू बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि अगर हम देखें कोई हम डस्टर ले लेते हैं, ठीक है, दो डस्टर लें सेम मटेरियल के बने हुए, उनको एक दूसरे के ऊपर रब करना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, उसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम उसी तरह से दो जो है ग्लास स्लैब्स ले लेते हैं, ठीक है, शीशे की बनी हुई स्लैब्स लेते हैं, तो उनमें जो है वो फ्रिक्शन कम होगी। ठीक है, तो ये क्यों था, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने आप को जो है एक स्टेट में बरकरार रख सके और जो चेंजेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनको रेजिस्ट कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रेसिंग फोर्स। प्रेसिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी बॉडी को मूव करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, वो फोर्स जो है वो प्रेसिंग फोर्स है। अब अगर वो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब अगर हम एक मटेरियल है, दो मटेरियल एक ही चीज़ के बने हुए हैं, उस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ जो है थोड़ी स्मूथ ज़्यादा नहीं मूवमेंट होगी। लेकिन अगर वो फोर्स हम बढ़ा दें, ठीक है, तो बहुत क्विकली मूवमेंट होगी, हमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का पता नहीं चलेगा। तो ये फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर से बहुत जल्दी स्लिप आउट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें पता चलता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टू थिंग्स, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द प्रेसिंग फोर्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में किस तरह आएगा कि सिंपली अगर हम अपनी पाम लें, ठीक है, हाथ की हथेली, उसको डिफरेंट चीज़ों पर रब करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, अगर आप जो है अपनी पाम को यूज़ कर रहे हैं
रबिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या हो गया, एक आप ग्लास स्लैब ले लें, ठीक है, उसी तरह आप कोई वुड की बनी हुई चीज़ ले लें, कोई स्टोन ले लें या कोई फॉर्म की बनी हुई चीज़ ले लें। अब जब आप उसको पाम को रब करना स्टार्ट करेंगे, आपको उसी टाइम जो है फील होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है ताकि मैं उसको प्रेस कर सकूँ, उसको आगे की तरफ मूव कर सकूँ, ठीक है। और आपको फौरन अपने हाथ के अंदर जो है एक रगड़ सी महसूस होगी, दैट टेल्स के उस चीज़ में फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा है। अब जो आप सिंपली ग्लास स्लैब देखें या शीशा कोई भी देखें, आप उसके ऊपर मूव करवाएं अपना हैंड, तो स्लिपरी सी होती है, बहुत इजीली मूव कर जाता है। लेकिन अगर वही आप वुड को देखें या डस्टर को देखें, तो आपको थोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है। तो इसी एग्जांपल से हमें पता चल गया कि हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो है डिफरेंट टेंडेंसी होती है कि वो किस तरह से फ्रिक्शन को जो है प्रोड्यूस करवाता है और उसमें किस हद तक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। अब अगर हम देखें कि जितनी भी चीज़ें हैं सब स्मूथ नहीं है, ठीक है, अगर ग्लास स्लैब भी है तो वो इस कदर स्मूथ नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर प्रेजेंट है और वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक व्यू से पता चल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू से पता चल जाएगा कि एक बॉडी है, जो भी दो बॉडीज हम ले रहे हैं उनके अंदर किस तरह से बम्प्स बने हुए हैं या थोड़ी जो है पिट्स हैं उसमें, इस तरह से ऊपर नीचे किस तरह से हो रही है कि वो रेजिस्टेंस शो कर रही है। इवन ग्लास स्लैब जो कि इतनी स्मूथ हमें फील हो रही होती है, उसको भी अंडर माइक्रोस्कोप व्यू करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे बम्प्स ज़रूर होंगे जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब हम जो है एक वुड का दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वुड के बने हुए उनका कॉन्टेक्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। एक इस तरह से स्लैब है, ठीक है, एंड अदर वन इज लाइक दिस। इनके अंदर भी क्या होगा, जो ये सरफेस हमें बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है, ठीक है, इसको अंडर माइक्रोस्कोप जब हम व्यू करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह से बम्प्स ज़रूर होंगे जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड की जा रही होगी और बॉडीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत स्मूथली नहीं स्लिप कर पा रही होंगी या मूव नहीं कर पा रही होंगी। तो हमें इससे पता चले कि माइक्रोस्कोपिकली अगर हम किसी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट या बहुत स्मूथ ऑब्जेक्ट को भी देखें तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ जो है बम्प्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सरफेस में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स हमें प्रोवाइड होती है। अब इन जो छोटे छोटे बम्प्स हैं जो कि प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट्स में, इन्हें कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है। ये किस तरह से, जिस तरह वेल्डिंग होती है, दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, इसी तरह अगर यहाँ पे इन पॉइंट पे देखें तो ये भी इस तरह के कोल्ड वेल्ड्स हैं कि आगे ये मूव नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे आकर स्टिक हुआ है, एक सरफेस का यूं था, ठीक है, और दूसरी की इस तरह से थी, तो वहीं पर स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, वहीं पर जम जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, आगे रिमूव करेंगे, तो ये होते हैं कोल्ड वेल्ड्स। अब जिस तरह हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है बढ़ती जाती है, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करेंगे, सिमिलरली जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी उसी तरह से इंक्रीज करना शुरू कर देगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अभी ये बात डिस्कस की है कि एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन अप्लाई हो रहा होता है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शनल की फोर्स भी फौरन से काम करना शुरू कर देगी। अब जितनी जितनी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रही है, ठीक है, उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रही है। लेकिन फ्रिक्शनल के फोर्स जो है ओपोजिंग फोर्स एक लिमिट तक बढ़ सकती है, ठीक है, उसके ऊपर लिमिट होती है कि उस लिमिट के आगे अगर उस हम और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन की फोर्स ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल सिंपली हम एक बाईसाइकिल से ले लेते हैं, साइकिल या बाईसाइकिल, जैसे उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पैडल करेंगे तो थोड़ा रुक रुक के चलेगी, ठीक है, उसके अंदर फ्रिक्शन की फोर्स भी प्रेजेंट है जो कि रिएक्शनल फोर्स के तौर पे यूज़ हो रही है, क्योंकि पैडल से हम जो है एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी होगी मूव करने में, बट आफ्टर सम टाइम बहुत स्मूथली जो है बाईसाइकिल रन करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट एंड हो गई।
कुछ ना कुछ जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे वहाँ एग्जिस्ट करना बंद कर देती है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही रह जाती है, ओवरकम कर जाती है. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो जाए. जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाती है, वो मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये लिमिटिंग वैल्यू इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये वो लिमिट अब आ गई है जहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज की फ्रिक्शन की. लेकिन अगर उसके बाद भी हम एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होना शुरू हो जाती है. सो वो मैक्सिमम फोर्स जो है वो कहलाती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, अब अगर इसी को हम देखना चाहें कि ये किस तरह से अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है म्यू का. ठीक है, अब वो म्यू का फैक्टर क्या बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स को हम इस तरह से कह रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, जो कि एक्शनल फोर्स थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया है आर से. ठीक है, अब जो लिमिटिंग फोर्स या जो हमारे पास आई है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस. अब इन दोनों की रेशियो हमें बताएगी कि हमारी जो मोशन है वो किस तरह की होगी. अब जैसे ही हम यहाँ पे देखें कि एफ एस को लिमिटिंग फ्रिक्शन को जब डिवाइड कर देंगे नॉर्मल फ्रिक्शन पे, तो हमारे पास एक कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एस. ठीक है, एफ एस ओवर आर. अब इसका काम क्या है कि जैसे ही हम जो है हमारी लिमिटिंग फोर्स ज़्यादा एक अपनी वैल्यू तक पहुंच गई, उसके बाद जितने भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है तो उसकी वजह से लिमिटिंग फोर्स कम होती जा रही है. इट मीन्स अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन देखें कि फ्रिक्शन कितनी होगी एट द लिमिटिंग जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, तो उनका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही है तो ये म्यू एस भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ये कम होती जा रही है तो ये भी कम हो जाएगी. और इसका जो आर का नॉर्मल रिएक्शन या एक्सटर्नल फोर्स का जो हमारे पास वैल्यू है, उससे क्या हो रहा है कि उसका इन्वर्स रिलेशन है टू द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि जैसे जैसे हम इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, हमारे पास इस कोफिशेंट की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक हद तक इंक्रीज कर सकती है. उसके बाद जितना भी हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर लेंगे तो हमारे पास कोई भी जो वैल्यू नहीं आएगी फ्रिक्शन की. अब इसको भी एग्जांपल से अगर हम देखें कि हमारे पास एक जो है कहते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी है 73 पेज पे, लास्ट पैराग्राफ जो है फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक. इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं एंड एंट्री टेस्ट में ज़रूर आता होता है कि वाई फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड. ठीक है, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है कि हम जो है वॉक कर सकें ग्राउंड पे. अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, तो अगर फ्रिक्शन ना हो, एक बहुत स्मूथ सरफेस है तो उसके ऊपर पहले तो आप पानी फेंक दें. ठीक है, मार्बल के ऊपर पानी फेंकें एंड देन कोई भी स्लीपर जो बहुत स्मूथ है नीचे से उसको पहन के चलें, तो आप बहुत प्यारी तरह गिर जाएंगे. तो इसमें क्या होगा कि हमें वो जो गिर जाएंगे वो किस वजह से हुआ, क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो गई. स्लिपरी ज़्यादा हो गई इट मीन्स कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी कम हो चुकी है कि हम वॉक ही नहीं कर पा रहे, चल ही नहीं पा रहे ऑन द ग्राउंड. सो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जो है फ्रिक्शन की ज़रूर रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे होते हैं ग्राउंड पे भी. और हम जितनी भी अपनी सरफेसेस को देख लें जो बहुत स्मूथ भी नज़र आ रही होंगी, उनमें भी कुछ ना कुछ जो है उनके माइक्रोस्कोपिक व्यू में पता चलेगा कि थोड़े बम्प्स ज़रूर प्रेजेंट हैं जो कि हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से हम ग्राउंड पे स्लिप नहीं हो पा रहे बल्कि आगे मूव कर रहे हैं. सो ये थी हमारी अबाउट द वॉकिंग, जिसमें हमने जस्ट इतना ही डिस्कस किया है कि हमें चलने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ज़रूरी है कि अगर वो नहीं होगी तो स्लिप हो जाएंगे हम,
और जो है ग्राउंड या कोई भी चीज़ है जो इतनी स्मूथ भी नज़र आ रही है, उसको जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ पिट्स या बम्प्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड होगी और हम इजीली वॉक कर सकेंगे। सो अभी हम स्टडी कर रहे हैं फ्रिक्शन को ही, ठीक है। अब हम उसके बाद इसके डिस्कस करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह से होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस तरह होती है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में किस तरह की जो है फ्रिक्शन होती है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट फ्रिक्शन में, सॉरी एक्सटर्नल फ्रिक्शन में हमने कोफिशिएंट को डिस्कस किया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उस वो किसके इक्वल था, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन, या वो फोर्स जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू एस से, एंड इट इज़ इक्वल्स टू एफ एस ओवर आर। रीअरेंज कर लें, अगर हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की चाहिए, लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू, तो एफ एस इधर ही रहेगा, म्यू एस इंटू आर हो जाएगा। एंड आर बेसिकली क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन या एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, दैट इज एफ, और एफ क्या होता है, इक्वल्स टू वेट, एंड इट इज एम जी। सो अब हमारे पास जो आर है उसको वो है तो एक्सटर्नल फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको जस्ट आर से रिप्रेजेंट किया है, और आर क्या है, वही फोर्स है जो एक्सटर्नली अप्लाइड हो रही है। एंड फोर्स जो है वो बेसिकली वेट होता है बॉडी का, जो कि मास एम पे ग्रेविटी अप्लाई कर रही होती है। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें एफ एस के साथ यू एस और आर की जगह क्या लिख देंगे, एम जी। सो यहाँ से भी हम अपनी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि म्यू, जो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता हो, बॉडी का मास पता हो, एंड जो ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन या उसकी वैल्यू पता हो, तो हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन की जो फर्दर टाइप्स के, अगर एक चीज़ स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ या किसी भी चीज़ पे, तो उसकी मोशन कैसी होगी, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि बॉडीज जो हैं वो रोल भी कर रही हैं और कुछ बॉडीज स्लाइड भी कर रही हैं। अब सबसे पहले अगर हम एक व्हील को देखें, ठीक है, ये एक व्हील है, और व्हील की इन्वेंशन जब हुई थी उसी टाइम इस बात को डिस्कवर कर लिया गया था कि इसकी दो तरह की जो है हमारे पास मोशन होती है, या तो ये स्लाइड कर सकता है बिल्कुल, या ये रोल कर सकता है। अब उस रोलिंग और स्लाइडिंग में फ्रिक्शन किस तरह से एक्ट कर रही है, कि रोलिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड होगी हमें या स्लाइडिंग में ज़्यादा होगी। अब अगर इसको जस्ट सिंपली एक मूव करवा रहा है कोई भी, तो हमने देखा है कि व्हील की जो मोशन है मोस्टली जो होती है दैट इज रोलिंग, ठीक है, रोल कर रही होती है। अगर ये पॉइंट इस टाइम पे यहाँ है तो नेक्स्ट टाइम पे ये पॉइंट इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, अब फर्दर मूव करेगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा। सो ये क्या कर रही है, रोल करता हुआ आगे को जा रहा है। जिस तरह अगर हम एक कॉइन लें सिंपली एंड उसको एक सरफेस पे रख के मूव करवा दें, तो वो भी रोल करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यानी जो चीज़ अर्थ से या किसी भी चीज़ से पॉइंट में है, सिर्फ उतनी जगह पे ही फ्रिक्शन प्रोवाइड की जा रही है, बाकी पूरा पार्ट जो है वो इजीली मूव कर रहा है। सो यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है सिर्फ इतने पे फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, फ्रिक्शन सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट है, तो बाकी बहुत स्मूथली मूव कर रहे हैं। इट मीन्स जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें हमारे पास जो है वो बहुत बेटर है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब वो इंक्रीज किस तरह से करती है कि व्हील को भी जो है वो स्मूथ नहीं बनाया गया, व्हील के ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह की, उसके ऊपर इस तरह रफ सी सरफेस होती है, ताकि जब वो अर्थ से या किसी भी चीज़ से, अब ये जो फ्रिक्शन प्रोवाइड की जा रही है ये इसी वजह से है क्योंकि ना स्मूथ सरफेस है हमारे पास, सरफेस भी जो भी जिस भी चीज़ पे हमारे पास वो चीज़ रोल कर रही होगी या मूव कर रही होगी
उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स होती है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब इसी तरह से जो हमारे पास व्हील है जिसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसको भी इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो थ्रेड्स होते हैं वो लगे होते हैं। तो जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पे एक रगड़ प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ बेसिकली द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही बॉडी रोल करती है। ठीक है, अब अगर हम एक इस तरह की चीज़ देखें जो कि बहुत स्मूथ है, हमने उसके ऊपर जो है नहीं बनाए थ्रेड और हमने इतनी फाइन और स्मूथ सरफेस को भी कंसीडर कर लिया है, तो क्या होगा कि बॉडी जस्ट इतना पोर्शन ही इसका स्लिप डाउन कर जाएगा। ठीक है, वो बॉडी आगे उस तरह से रोल होके, ये एक अगर इस तरह जो है उसका कर्व एंटर हो गया है तो अगला कर्व तभी एंटर होगा जब वो हल्का सा मूव करेगी, तब दूसरा कर्व में वो जो है मूव कर सकेगा। सिंपली अगर इस तरह से है रोड और यहाँ पे जो टायर के ऊपर इस तरह से जो है मैन्युफैक्चर किया गया है कि एक बम्प जो है उसका यहाँ पे बिल्कुल उसके दूसरे के ऊपर आ जाए, देन अगला मूव करेगा तो फिर ही ये आगे आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को बहुत स्मूथ बना दिया जाए, ठीक है, तो यही पार्ट क्या होगा, जल्दी से स्लिप कर जाएगा। तो वो स्लिपिंग जो है, जो व्हील स्लिप कर जाए, तो वो हमारे पास इतनी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि रोड्स पे चलने के लिए या कहीं पे भी चलने के लिए हमें फ्रिक्शन ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब बहुत स्मूथ सरफेसेस ली जाए, तो जो भी चीज़ होगी लाइक व्हील की अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो स्लिप कर जाएगा। और जैसे ही वो स्लिप करेगा तो हमारे पास, अगर हम व्हील को यूज़ कर रहे हैं अपनी कार्स में या कोई बाइसाइकिल वगैरह में, तो एक्सीडेंट चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो वेट रोड्स होती हैं उन पे क्या होते हैं, स्लिपरी हो जाती है। ठीक है, पानी की वजह से क्या हो जाती है, स्लिपरी। अब उस स्लिपरी की वजह से क्या होता है कि टायर जो है उसका यहाँ पे अगर स्मूथनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो वो यहाँ से स्लिप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से स्लिप करता करता जब आगे की तरफ मूव करेगा, वही बॉडी आगे मूव करके गई, बाकी पूरी बॉडी मूव ही नहीं करी, और स्लिप करने की वजह से क्या होगा कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसी व्हील को देखें, जब बाईसाइकिल या कोई भी चीज़ पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो व्हील है उसकी दो तरह की मोशन हो रही होती है, एक कौन सी, रोलिंग, एंड स्लिपिंग। स्किपिंग कब होती है, जब उसके ऊपर हम एक ऐसी फोर्स अप्लाई कर दें जो उसके टेंडेंसी से ज़्यादा हो। लाइक अगर हमने एक व्हील है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी है, दैट इज़ द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक एक एक्सटर्नल फोर्स है, हमने ब्रेक अप्लाई की है, बाईसाइकिल यूज़ कर रहे थे या कार यूज़ कर रहे थे, ब्रेक अप्लाई कर दिया, इट मीन्स हमने उसको इतना स्टिक कर दिया कि वो यहाँ पे बिल्कुल उसकी रोलिंग जो है वो जैम हो जाए। अब अगर रोलिंग जैम हो गई है तो इट मीन्स ये पोर्शन बिल्कुल स्लिपरी हो चुका है। स्लिप करता करता जब आगे जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। स्लिपिंग तब स्टार्ट होती है जब हम गाड़ी के ऊपर या बाईसाइकिल पे ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आती है, दैट इज़ ड्यू टू द बम्प्स और पेट्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द व्हील सर्फेस एंड ऑन द ग्राउंड सर्फेस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह से होती है कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बरकरार रहे टू द ग्राउंड, तब हमारे पास जो है सर्फेस या कोई भी बॉडी रोल कर सकती है। ठीक है, अब रोलिंग की वजह से ही मोशन हो रही है कार की भी, और अगर हमने उसको स्लाइडिंग पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करना शुरू कर देगी और वो थोड़ा डेंजरस होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग में भी हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बॉडी अगर मूव कर रही है, लाइक हम व्हील की ही बात कर रहे हैं, तो व्हील की किस किस तरह की मोशन होगी और वो व्हील किस वेलोसिटी कंपोनेंट से मूव करेगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटीज आ रही हैं जब एक व्हील या कोई भी बॉडी मूव कर रही है। वन इज मोशन ऑफ व्हील अलोंग अलोंग द रोड। ठीक है, रोड के अलोंग होगी, इट मींस कि अगर ये रोड है, ठीक है, उसके
अलोंग जो मोशन हो रही है व्हील की ये आगे आगे मूव करता जा रहा है, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट यहाँ था, देन यहाँ चला गया, फिर आगे थोड़ा जाएगा बॉडी मूव करेगी तो यहाँ पे चला गया। ये क्या हो रही है, बॉडी की मोशन हो रही है या व्हील की मोशन हो रही है अलोंग द रोड। अब अगर ये अपने ही एक्सिस पे मूव करे, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा वो बेसिकली अपने एक्सिस पे भी मूव करेगा, ठीक है, वो खुद भी मूव कर रहा है, इट मीन्स उसमें जो वेलोसिटीज है वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, एक है मोशन ऑफ व्हील एंड द अदर इज रोटेशन ऑफ व्हील, कि बॉडी जो है अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही है। अब इसमें हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं कि एक व्हीकल जो रोड पे मूव कर रही है, अगर वो मूव कर रही है तो उसमें किस चीज़ की जो मूवमेंट है वो क्या चीज़ ऐसी होगी जो उसे मूव करवाएगी, एंड द अदर वन इज कि अगर वो स्टॉप कर जाती है तो उसके स्टॉप करने की क्या रीज़न है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में ही सबसे पहले हम देखते हैं कि उसी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन है, तो जो व्हील है हमारा उसके ऊपर थ्रेड्स यूँ बने होते हैं, ठीक है, उस थ्रेड से और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो डिवेलप होगा टू द सर्फेस उसकी मदद से ही हमारे पास जो है बॉडी मूव कर रही है और व्हील की मोशन हो रही है अलोंग द रोड। लेकिन अगर अब हमने इसको स्टॉप करना है, ठीक है, स्टॉप करने के लिए क्या होगा कि क्विकली अगर हम स्टॉप करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जिस तरह ब्रेक्स अप्लाई की, ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करने में एक लिमिट तक अगर ब्रेक को अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर इतनी फोर्सफुली जो है ब्रेक को अप्लाई कर दिया जाए कि व्हील की रोलिंग मोशन से वो स्किपिंग या स्किडिंग की तरफ चला जाए, वो स्लिप करना शुरू कर दे, तो वो बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये जो व्हील है वो बिल्कुल स्लिप कर जाता है, ठीक है। अगर वो स्लिप कर गया है इट मीन्स कि गाड़ी जो है या बॉडी कोई भी है मूव कर रही है तो वो अनबैलेंस हो जाएगी, उसके अनबैलेंस होने से जो है कंट्रोल नहीं रहेगा व्हीकल पे या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, और एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्रेक अप्लाई करते हुए इसको सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसको ब्रेक किस हद तक अप्लाई करनी चाहिए। अगर लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू अप्लाई कर दी है ब्रेक की, तो क्या हो जाएगा, व्हील वहीं जैम हो जाएगा, उसकी रोलिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग मूवमेंट उसकी स्टॉप हो जाएगी। अब रोलिंग मूवमेंट के स्टॉप होने से क्या होगा कि टायर बिल्कुल रोल करना बंद कर गया बल्कि स्लिप करना शुरू कर गया। अब जब स्लिप कर रहा है और बॉडी बहुत तेज़ी से मूव कर रही है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि लार्ज ब्रेक अप्लाई किया है, पहली गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से मूव कर रही थी, वेलोसिटी ज़्यादा है, मैस गाड़ी का उतना ही रहेगा तो मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब वो मोमेंटम की वैल्यू जो है गाड़ी को और ज़्यादा तेज़ जो है वो मूव करने में मदद देगी, क्योंकि मैस और वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम बना रहे हैं, एंड मोमेंटम तभी एग्जिस्ट करते हैं जब बॉडी मूव कर रही होगी। अब उस मोमेंटम की वजह से स्लिपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड कार अनबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए जब भी ब्रेक अप्लाई की जाती है या स्किडिंग को देखा जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम एक हद तक ब्रेक की वैल्यू अप्लाई करें ताकि जो रोलिंग मोशन है, रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास वो बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि हम रोलिंग से स्किपिंग की तरफ चले जाएं या स्लिपिंग की तरफ चले जाएं और कार जो है स्लिप होके हमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा दें। सो अब हमने ये डिस्कस कर लिया अबाउट द फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, देन हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है, फिर उसमें देखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन भी होती है एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में जो है गाड़ी मूव करने में आसानी होती है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन हमने ब्रेकिंग एंड स्किडिंग को जो स्टडी किया है कि अगर एक कार को मूव करना चाहिए तो किस जो है फ्रिक्शन से मूव करना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली द रोलिंग फ्रिक्शन। एंड स्किडिंग में क्या हो रहा है कि अगर बहुत अर्जेंटली आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी गाड़ी की या व्हीकल की, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि मोमेंटम लार्ज हो जाता है, वेलोसिटी गाड़ी की ज़्यादा होती है इसलिए मोमेंटम लार्ज हो जाता है, एंड जो लार्ज ब्रेक अप्लाई किया है उसने बॉडी की रोलिंग फ्रिक्शन को बिल्कुल सीज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, अब वो स्लिप करना शुरू हो गई है, इसलिए उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
एंड हमने उसमें ये डिस्कस किया कि वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड एंड द नेक्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ द व्हील। और इसी तरह अगर हम अपने वॉकिंग में भी देखें या बाकी चीज़ों में भी देखें तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज उसके बगैर मूव नहीं कर सकते। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन।